ओडिशा में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे को बताया भूमाफिया, लगाया 25 बीघा धार्मिक जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने का लगाया आरोप, डीएम से मिलकर कार्रवाई का किया मांग, डीएम ने राजस्व टीम गठित कर जांच के दिए आदेश, बैरिया तहसील में लगने वाली सुदृष्टि बाबा पशु धार्मिक मेले की 25 बीघा जमीन को किसानों से फर्जीवाड़ा कर जमीन रजिस्ट्री करवाने का गंभीर आरोप लगाया है और डीएम से कार्रवाई कर जमीन को भू माफियाओं से खाली करवाने की मांग किया है। पूरे मामले में डीएम बलिया ने विधायक की लिखित शिकायत के बाद राजस्व टीम गठित कर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। एंकर पीकेसी के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा ही मेरे भाई पत्रकार जी मेरे यहाँ इब्राहिमाबाद उपरवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन अलाट है। अभी भी कुछ बंजर भूमि 18 एकड़ के आसपास अभी अंकित भी है और उसमें कुछ विगत 25-30 वर्षों में कुछ भू माफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया और उसी को जो है इसी घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं आज जिलाधिकारी को अवगत कराया हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है राजस्व और आपके चकबंदी विभाग और सर्वे विभाग तीनों विभागों के अधिकारियों को की टीम बना करके अब ये तो बताएंगे कौन सी टीम बना करके जांच करवाएंगे, वो जांच करवाने का बात है। घोटालेबाज कौन है और कौन कौन इसमें? अब हमारे क्षेत्र के कम से कम 100-150 लोग हैं, 100-150 लोग। तो 100-150 लोगों का किसका हम जन्म कुंडली बता मैं आपको। इसके पहले जो आपने बयान लिया था, आरोप लगाया था, वो नहीं, वो जो भाजपा सांसद हैं वो देखिए उनके भांजे रजिस्ट्री करवाए हैं। क्या नाम है उनका? उनका विनय सिंह नाम है, वो करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं, लेकिन वो उनसे भी पहले तो दोषी वो है जो फर्जी नाम चढ़वाए हैं। भाई दोषी लोगों से जमीन लेना भी दोष है, लेकिन इससे भी बड़ा दोषी वो है जिसने फर्जी करके अपना नाम चढ़वाया। तो क्या इसमें आपको लगता है कि जो भाजपा के सांसद हैं उनकी भी कोई संलिप्तता है? ऐसा है, देखिए मैं ये सब चीज हम मुझको न्याय करवाना है, समाज के साथ न्याय होना चाहिए। जो इसमें इस गतिविधि में शामिल होगा, जो भी व्यक्ति शामिल होगा, उसको दंड मिलना चाहिए, मेरी यही नियत है। अब क्या होगा भगवान जाने और समय जाने। तो सुने विधायक आपके आए थे, क्या बहुत से मामले थे, कुछ स्पेसिफिक मामला हो जी सर, जमीनी विवाद कोई चल रहा है उसको लेकर के, धार्मिक मेले की जमीन को कब्जे को लेकर के विधायक से क्या शिकायत लेकर के आए थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद उपरवार गांव सभा की जमीन या सुदृष्टि बाबा पशु मेला से संबंधित जमीन कुछ लोगों द्वारा बैनामा लिया गया है और उस बैनामे में उनका ये कहना है कि वो गांव सभा की जमीन है और गांव सभा की जमीन पर फर्जीफिकेशन करके या पहले से किए हुए फर्जीफिकेशन के आधार पर ये बैनामा हुआ है। तो उनका ऐसा पत्र के माध्यम से यही अपेक्षा की गई है कि संबंध में जांच कराकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सच्चाई पता की जाए और अगर वो ग्राम सभा और पशु मेला से संबंधित जमीन है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। और उनके पत्र के आधार पर एक कमेटी राजस्व अधिकारियों की बनाई जा रही है जो क्रेता से और जो भी इसका आरोप लगा रहे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करें, जो भी राजस्व अभिलेख हैं, पत्रावलियां हैं, उनका निरीक्षण करें और वो करते हुए एक रिपोर्ट बना करके देखें। Thank you.
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।